एडीजी रेलवेज के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे मैं हूँ। कल गाजियाबाद में जितने भी रेल सुरक्षा से संबंधित विभाग है सभी लोगों की एक बैठक हुई थी और आज सहारनपुर में जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे विभाग और सिविल पुलिस हम सभी लोग मिल के रेल सुरक्षा, पटरी की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में जितने भी बिंदु है इसमें व्यापक रूप से चर्चा किए हैं और ये तय किया गया है कि एक जॉइंट पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से रेल ट्रैक की पटरी का पेट्रोलिंग का कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं जिसमें जीआरपी, आरपीएफ के साथ सिविल पुलिस के भी कर्मचारी होंगे, 112 के भी कर्मचारी होंगे। मुझे उम्मीद है इस प्रकार की संयुक्त पेट्रोलिंग करने से पटरी में कुछ लोग द्वारा इस प्रकार की कोशिश किया जाता है पटरी में कुछ सामान रखने का, पत्थर या लोहे का कोई चीज़, इन प्रकार की घटनाओं में अंकुश लगेंगे। लगातार घटनाएं सामने आ रही है, इस तरह की ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जितने भी घटनाएं इससे पूर्व हुई है हम प्रत्येक घटना को विश्लेषण किए हैं और लगभग सभी घटनाओं में कार्रवाई हो चुकी है और सख्त कानूनी कार्रवाई हम इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कर रहे हैं, चाहे वो खेल खेल के चक्कर में पटरी में कुछ सामान रखे हों या यूट्यूब रील बनाने के चक्कर में रखे हों, सभी घटनाओं में हम कार्रवाई किए हैं। कानपुर के आसपास जो दो घटनाएं विगत कुछ दिनों में हुई है उन घटनाओं के भी अनावरण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस प्रकार की सख्त कार्रवाई करने से एक अच्छा संदेश जाएगा। आप लोगों के जरिए मैं आम जनता से भी अनुरोध करता हूं, रेलवे पटरी पे इस प्रकार की कोई वस्तु रखने के लिए कोई कोशिश कर रहा है या रख रहा है तो तत्काल इसकी सूचना निकटतम थाना, चौकी, जीआरपी थाना, आरपीओ पोस्ट थाना या किसी अधिकारी को दें ताकि कार्रवाई तुरंत किया जा सके। संबंधित अधिकारी से आपकी मीटिंग हुई है, आगामी त्यौहार को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए सुरक्षा व्यवस्था की? रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया और आसपास इलाकाओं में जितने भी जो आगामी त्यौहार हैं इसमें सतर्कता बरतने के लिए कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और साथ साथ आप सभी जानते हैं आने वाले 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है और 8 तारीख को मतगणना है। 5 को मतदान है, 8 को मतगणना है, उस संबंध में भी निर्देशित किया हूँ ताकि हम इस एरिया में सतर्क रहें और आदर्श आचार संहिता को लागू करने में जो भी मदद जीआरपी से होना है वो हम करेंगे।